नमस्कार, मैं सुमन ख्यालिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का अपनी न्यूज में। पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही की वजह से आज फिर एक और हादसा हो गया। वाईयू के स्वामी विवेकानंद स्कूल अरनियावाली की बस सुबह बच्चों को लाने के लिए जा रही थी। जब बस बकरियावाली और मोडियाखेड़ा के बीच बनी रोड पर चढ़ाई कर रही थी तो सड़क के किनारे झाड़ियों की वजह से बने हुए गड्ढे ड्राइवर को दिखाई नहीं दिए, जिसकी वजह से बस पलट गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सड़क के किनारे कितनी झाड़ियां उगी हुई है, जिसकी वजह से अनेकों हादसे होते रहते हैं। आपको बता दें कि ऐसे अनेकों रोडों पर अनेकों झाड़ियां उगी हुई है, लेकिन प्रशासन है वो अभी तक सो रहा है। इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके साथ साथ अनेकों रोडों पर अनेकों झाड़ियां उगी हुई है। चोपटा से बट्टू रोड, जमाल से जोड़किया रोड, ऐसे ही अनेक रोडों पर अनेक झाड़ियां उगी हुई है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन काफ़ी हादसे होते रहते हैं। पीछे भी चोपटा से लुदेसर की रोड पे भी एक हादसा हुआ था, जिसमें गाड़ी पलट गई थी। आपने न्यूज़ के माध्यम से आपने वो वीडियो भी देखा था। चलिए पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं। ये वैन पलटी है बकरियां वाली से मोडियाखेड़ा जो रोड जाता है, ये स्कूल की वैन है। ये वन विभाग की लापरवाही के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो वन विभाग है वो कोई सूद नहीं ले रहा है। यहाँ पे जो पेड़ हैं वन विभाग के, वो कटाई नहीं करते वन विभाग वाले, वो बिल्कुल इन सड़क के ऊपर आए हुए हैं, जिसकी वजह से सड़क के ऊपर से जो भी व्हीकल जाते हैं उनको रास्ता नहीं मिल पाता। इसी के कारण ये बस यहाँ पे पलटी है। अब देखना ये होगा कि संबंधित विभाग हमारी इस न्यूज़ के बाद कैसे उस रोड को क्लीन करने का काम करता है, या फिर ऐसे ही अनेकों हादसे दिन प्रतिदिन होते रहेंगे। बने रहिए आपने न्यूज़ के साथ। मैं सुमन ख्यालिया।